कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ, खाद तेल बाजारों में लगातार बाजारों में क्यों गिरावट आ रही है इसकी जानकारी देंगे और बाजारों में सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट की बाजारों में क्या स्थिति है, इंटरनेशनल बाजारों में केएलसी में किस तरीके से कामकाज हुआ, विदेशी बाजारों में आप देखेंगे किस तरीके से बाजारों में आप सीवॉट पे कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग 9:30 का शो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ। खाद तेल बाजारों में लगातार विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद भी घरेलू बाजारों में तेजी नहीं आ पा रही है। इसका मुख्य कारण जो सरसों की क्रॉप आने वाले समय में 20 लाख टन जो मार्च मंथ में आने वाली है, उसका प्रेशर साफ साफ बाजारों में देखने को मिल रहा है। और बाजारों में सोया ऑयल का भाव 116 रुपए, इसी तरीके बाजारों में कामकाज हुआ। पामोलिन का भाव में भी नरमी देखी गई, 98 रुपए का भाव हो गया। राइस ब्रैन ऑयल में सबसे जोरदार गिरावट देखी गई, क्योंकि मोस्टली मस्टर्ड में यूज किया जाता है, मिलाने के लिए यूज किया जाता है। इसका कोई वायदा कोई विदेशी बाजारों में कोई इसका इंडिकेशन नहीं होता है, यह मैनिपुलेटेड वर्क के हिसाब से बाजारों में काम किया जाता है। तो राइस ब्रैन में सबसे ज्यादा गिरावट है, 92 रुपए का भाव हो गया। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करेंगे 120 रुपए का भाव रहा। सोयाबीन सीड की अगर बात कर लेते हैं तो 5525 रुपए का भाव बाजारों में देखा गया। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की बात कर लेंगे तो क्रूड पाम ऑयल में 889 रुपए का बाजारों में कामकाज हुआ, फॉरवर्ड में 894 रुपए, पामोलिन का भाव 950 रुपए, ऊपरी स्तर से हल्की सी दबाव देखा गया। सोया रिफाइंड में जोरदार गिरावट देखी जा रही, 1130 से 35 रुपए का बाजारों में भाव हो गया। सोया डिगम का भाव 1050 रुपए, फॉरवर्ड में 1040 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का भाव 1210 रुपए रहा। केएलसी -28 रिंगिट हो गए, कल केएलसी का बाजार बंद हुआ। कल बाजारों में केएलसी में जोरदार गिरावट बाजारों में देखी गई, जबकि सीवॉट के बाजारों में आप देख सकते हैं एक जोरदार बाजारों में तेजी आई है। सीवॉट में जो तेजी आई है उसका मुख्य कारण कई जगह जो क्रॉप जो सोयाबीन की डैमेज हुई है उसका इंपैक्ट बाजारों में मोमेंटम आपको दिखाई देकर चल सकता है। लेकिन होली के बावजूद भी बाजारों में घरेलू मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड कमजोर है और डिमांड नहीं आने के कारण बड़ी कंपनियों ने भी अपने रेट घटा दिए हैं, उसका इंपैक्ट साफ साफ बाजारों में देखने को मिल रहा है। इस वजह से बाजारों में आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। चलिए जान लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 115 रुपए आज का है, रेजिस्टेंस का लेवल 116 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 98 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, मस्टर्ड सीड की सपोर्ट की बात करेंगे तो 5800 रुपए का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 6100 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5450 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5600 रुपए। मार्केट में ओवरऑल आउटलुक आप ये लेके चल सकते हैं, बाजारों में जो भी खरीदारी करनी है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए। बाजारों में होली तक की आप लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। खासकर आपको खरीदारी जो करनी है पामोलिन में आप खरीदारी कर सकते हैं, सोया ऑयल में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। राइस ब्रान ऑयल में भी बाजारों में मस्टर्ड के हिसाब से बाजारों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन लंबी चौड़ी फिलहाल तेजी राइस ब्रान ऑयल में भी नहीं देखी जा रही है। इसी तरीके सनफ्लावर ऑयल में भी बाजारों में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करिए। मूंगफली के तेल में जोरदार तेजी देखी जा रही है, उसका इंपैक्ट बाजारों में आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल आउटलुक बाजारों में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खरीदारी करिए। बाजारों में बिक्री का बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हर तरीके की होली के बावजूद भी बाजारों में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।